हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मेट्रो टिकट हम ऑनलाइन कैसे करते हैं अपने मोबाइल फोन से। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, ठीक, और आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं होता है। तो आपको करना क्या होता है, मेट्रो टिकट लेने के लिए आपको या तो टोकन लेना पड़ता है या तो आपको मेट्रो टिकट का QR कोड यहाँ पे लेना पड़ता है। बट आपको टोकन लेने के लिए और QR कोड लेने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, जिससे आपको मेट्रो का इंतजार करना पड़ता है, होता है ना। अगर आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं होता है तो आपको लाइन में लगना पड़ता है QR कोड लेने के लिए या टोकन लेने के लिए। तो मेट्रो टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको करना क्या है गाइस, आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर को आपको अपने व्हाट्सएप में सेव कर लेना है, ठीक ठीक अगर आप दिल्ली मेट्रो का टिकट ऑनलाइन कट करना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप से, तो आप ऊपर वाले नंबर को सेव कर लेना। अगर आप कलकत्ता मेट्रो टिकट बुक करना चाहते हो तो आपको सेकंड वाले नंबर को सेव कर लेना है अपने फ़ोन में। आपको अगर मुंबई मेट्रो टिकट ऑनलाइन बुक करना है अपने व्हाट्सएप से, तो आपको थर्ड वाले नंबर को सेव कर लेना है। और आपको अगर लखनऊ मेट्रो ऑनलाइन टिकट बुक करना है तो आपको फोर्थ वाले नंबर को अपने फ़ोन में व्हाट्सएप में सेव कर लेना है। तो व्हाट्सएप में नंबर को सेव करने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नंबर यहाँ पे सेव कर लिया है, यानी कि दिल्ली मेट्रो का ऑनलाइन टिकट कट करने का नंबर सेव कर लिया है। ये नंबर आपको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस वाले नंबर को आपको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। अगर आप मेट्रो में सफ़र करते होंगे तो आपको ये वाले नंबर जगह जगह पर मिल जाएगा मेट्रो स्टेशन के पास, तो आपको इस वाले नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पर यहाँ पर हाई लिख के सेंड करना है। तो हम यहाँ पर हाई लिख के सेंड करते हैं। जैसे आप हाई लिख के सेंड करोगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे नया मैसेज शो होगा, यहाँ पे नया मैसेज आएगा तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बाय टिकट, लास्ट, जर्नी डिटेल और रिट्राइव टिकट। अगर आपका टिकट खो गया है तो आप यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे रिट्राइव टिकट पे। अगर आपको नया टिकट बुक करना है तो आपको यहाँ पे बाय टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप बाय टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा, तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, यानी कि आपको क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिसेंट जनरी फॉर क्विक बुक, और यहाँ पे आपको सोर्स मिलेगा और यहाँ पे डिस्टिनेशन। तो यहाँ पे सोर्स का मतलब ये हो गया कि आप जहाँ से जहाँ तक जाना चाहते हो, आपको सपोज करो कि आप नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हो, तो यहाँ पे सोर्स में हम नोएडा सेलेक्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखला देता हूँ, यहाँ पे हम सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आसपास में, आपके एरिया में जो भी मेट्रो स्टेशन है, आपको उसका यहाँ पर नाम डालना है। जैसे कि मुझे नोएडा सेक्टर 15 से जाना है, मुझे एम्स जाना है, एम्स दिल्ली हॉस्पिटल जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो यहाँ पे हम सोर्स सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आपको डिस्टिनेशन यानी कि सेलेक्ट करना है। आपको बैक नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, आपको इसको येलो लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर सोर्स का और यहाँ पे डिस्टिनेशन का, यानी कि अब आपके एरिया में नियर बाय जो भी मेट्रो स्टेशन है आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे कि नोएडा सेक्टर 15 से मुझे एम्स दिल्ली जाना है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट्स में नोएडा सेक्टर 15 डाल दिया और यहाँ पे डिस्टिनेशन में, यानी कि हमें जहाँ जाना है वहाँ का लोकेशन मैंने डाल दिया, तो यहाँ पर शो हो गया है डिस्टिनेशन। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे विथ अदर मोड्स और यहाँ पे एक पे विथ UPI। तो अगर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पे विथ UPI के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ अगर आप पे विथ अदर मोड्स यानी कि आपके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है, यहाँ पे विथ अदर मोड्स का ये मतलब ये भी हुआ कि अब यहाँ पे आप गूगल पे, फोन पे से ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कैश ट्रांजेक्शन करना है तो आपको काउंटर से ही करना पड़ेगा। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है पे विथ अदर मोड्स के ऑप्शन पे या तो आपको पे विथ और UPI के ऑप्शन पे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं पे विथ अदर मोड के ऑप्शन पे, बात सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कंटिन्यू करना है,
कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पे नया मैसेज आ जाएगा आपके पास, डेली मेट्रो के द्वारा यहाँ पे नया पेज आ जाएगा, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करने का। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे में पे नाउ का, तो यहाँ पे आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज शो हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कार्ड का। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर से अपना पेमेंट कटवा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई का, यहाँ पे यूपीआई का, तो हम यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करेंगे। तो यूपीआई से पेमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। टिक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी लिख सकते हैं। आपके फ़ोन पे गूगल पे में जो भी यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको यूपीआई आईडी पता नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ओपन यूपीआई ऐप पे क्लिक करके यहाँ पे अपने फ़ोन पे गूगल पे से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे ओपन यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जो भी यूपीआई पेमेंट ऐप होगा वो शो हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे फ़ोन पे से ट्रांजेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे फ़ोन पे ओपन कर लेना है, और यहाँ पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पे के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोन पे का पिन डालना है। पिन डालने के बाद आपका मेट्रो टिकट जो है वो क्यूआर कोड बन जाएगा, यानी कि आपका मेट्रो टिकट वो ऑनलाइन बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पेमेंट होने के बाद आपके सामने ऐसा मैसेज आ जाएगा और आपके पास यहाँ पे एक क्यूआर कोड आ जाएगा। ये देखो आपके पास यहाँ पे क्यूआर आ गया है, और इस क्यूआर कोड को आपको यहाँ पे स्कैन करना है एंट्री करने के लिए, और यहाँ पे आउट करने के लिए, इन और आउट करने के लिए आपको इसको एंट्री यानी कि स्कैन करना है। इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप भी दिल्ली मेट्रो का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो अपने फ़ोन से, व्हाट्सअप से। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।